अरे माधव भाई, एक खास समाचार तो सुनो। कौन सी खबर बलवीर? ये देखो, एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के अपराधी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये तो एकदम ठीक किया कोर्ट ने, ऐसे दरिंदों को फांसी पे लटका देना चाहिए ताकि उनकी रूहें कांपती रहे। हाँ माधव भाई, एक मासूम 3 साल की बच्ची के साथ में ऐसा घृणित कार्य है, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। छोटी छोटी बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, क्या हो गया हमारी समाज? अरे माधव भाई, बोलते बोलते रुक कैसे गए, क्या हुआ? बलवीर, बलवीर वो सुरभि है ना, वो सुरभि है ना? हाँ वो तो सुरभि है, पर वो ऐसे भागकर कैसे आ रही है? मामा मामा वो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ बेटा, बोलो। वो छोटी मामी है ना, वो जोर जोर से चीख रही है और सभी औरतें उन्हें घेर कर खड़ी है। क्या हुआ? पता नहीं, मैं तो ठीक ही छोड़ के आया था, चलो चल के देखते। हाँ चलो चलो। बलवीर थोड़ा जल्दी आजा, क्या हो गया घर पे, चल जल्दी। चल रहा, तू चल रहा, मैं आ गया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जल्दी आजा, क्या हो गया घर पे? हाँ बेटा, हाँ घबरा, हाँ शीतल घबरा मत बेटा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। हे मात भवानी, शीतल तो तुम्हारी परम भक्त है, इस पर दया करो, इसके ये तो तुम्हारी पूजा पाठ करती है, इसके कष्टों का निवारण करो माँ भवानी, इसके कष्टों का निवारण करो, इसके कष्टों का निवारण करो। क्या हुआ बाबू, इतनी देर क्यों लग रही है, परेशानी है तो हॉस्पिटल लेके चले क्या? भैरव धीरज रख, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? तेरी माँ शांति एक्सपर्ट आई है, वो सब कुछ संभाल लेगी, अगर ऐसा होगा तो वो बता देगी। चलो ठीक है, पर बेटा ही होगा ना? अरे जो भी भगवान चाहेगा वो होगा, बेटा ही होगा या बेटी। नहीं बापू, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए। बेटा ही क्यों, अगर क्या हुआ माँ, बेटा हुआ ना? अरे जो भाग्य में होगा हो जाएगा, तसल्ली रख, इतना उतावला क्यों हो रहा है? कैसे तसल्ली रखूं माँ, मेरी आंखें बेटे को देखने को तरस रही है। जो भी होगा भगवान की दया से अच्छा होगा, मेरा बेटा आने वाला है। अरे भैरव, तो इतना बेटे के लिए क्यों अधीर हो रहा है? बापू बेटे से ही हमारा खानदान और वंश आगे बढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। अरे तो आजकल बेटियां भी तो नाम रोशन करती हैं। अरे बापू क्या हुआ बहू को? बहू को डिलीवरी होने वाली है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ज्यादा तकलीफ है तो हॉस्पिटल लेके चले। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शांति कह रही थी कि ये तो नॉर्मल डिलीवरी है, हो जाएगी। फिर तो ठीक है। दादा भाई आप ताऊ बनने वाले हैं और बापू दादा? अरे हाँ वो तो मैं बनूंगा ही, ताऊ बनना बड़े सौभाग्य की बात है। और हाँ मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरा बेटा आने वाला है। बलवीर मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ भैरव, आज तेरी इच्छा पूरी होने वाली है, मेरा बेटा आने वाला है। और अगर बेटी हुई तो? दादा भाई ऐसी मनहूस बात दोबारा मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। अरे शांत भैरव शांत, अपने अंदर का राक्षस है जो शांत कर। नहीं बापू बेटा ही होगा। हाँ भैरव बेटा ही होगा, तू शांति रख, मेरे भी दो बेटे हैं। मामा मैं भी तो बेटी हूँ, बेटी में क्या बुराई है? शांति रख, बहुत दर्द हो रहा है माँ। अच्छा होगा बेटा, बहुत दर्द हो रहा है।
हाँ बेटा, शांति रहो, शांति रहो। आ गया मेरा चांद, मेरा सूरज, इस घर को खुशियों की रोशनी से भरने आ गया। मैं लूंगा पहले, ये मेरा बेटा है। आजा आजा मेरे शेर, ए दुनिया वालों, देख लो मेरा बेटा आ गया। अरे बाबू, बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, तुमने देखा माँ? हाँ भैरव, लेकिन 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 क्या भैरव? लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी? लक्ष्मी मतलब? मतलब बेटा नहीं, बेटी हुई है। बेटी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भैरव, ये तो विधाता की देन है। मैं किसी विधाता को नहीं मानता, नहीं मानता मैं किसी विधाता को। मैं किसी विधाता को नहीं मानता। अरे भैरव, तुझे ये क्या हो गया? लगता इसका अंदर का राक्षस बाहर आ गया है। राक्षस? भैरव, भैरव, बच्चे मुझे वापस दे दे। नहीं, मैं इसका उद्धार करूंगा, कष्टों से मुक्ति दूंगा। रुक जा भैरव, मुक्ति दाता बनूंगा। मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। भैरव, भैरव रुक जा मेरे भाई। कहाँ जा रहा है? भैरव अपने अंदर के राक्षस को शांत कर। भैरव, भैरव रुक जा, मैं तुझे ये पाप नहीं करने दूंगा। हट जा मेरे रास्ते से। मेरे बच्चे, इस बच्चे को कहाँ लेकर के जा रहा है? रुक जा भैरव, रुक जा, इस बच्चे को कहाँ लेकर के जा रहा है? रुक जा भैरव, रुक जा। अरे रुक जा भैरव, रुक जा। नहीं, रुको, रुको, नहीं, मेरे बच्चे। अरे कोई तो आओ, अरे कोई तो पकड़ो इसको, ये बच्चे को कहाँ लेकर के जा रहा है? अरे रोको। अरे भैरव, ऐसा अनर्थ मत कर, ये कन्या है भैरव, रुक जा, रुक जा। मुक्ति दाता, भैरव बच्चे दे दे भाई, क्यों इस मासूम बच्चे की जान लेना चाहता है तू? भैरव, भैरव इसके देने तेरा क्या बिगाड़ा है? भैरव मुक्ति दाता हूँ, भैरव दे दे, मैं इसे मुक्ति दूंगा। भैरव, भैरव भैरव दे दे भाई, भाई भैरव बच्ची दे दे, क्यों तू इतना बड़ा पाप कर रहा है? भैरव, भैरव दे दे बच्ची को, भैरव इतना बड़ा पाप मत कर। रुक जा भैरव, रुक जा भैरव, रुक जा। अरे भैरव रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा, बच्ची भाई दे दे, भैरव दे दे, भैरव भैरव रुक जा।
शीतल बेटा शीतल आराम से, ध्यान से बेटा ध्यान से। हाँ अच्छा, हाँ हाँ बेटा तेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा, चल चल तू माता रानी पे विश्वास रख बेटा। भैरव भैरव इस कन्या पर अत्याचार मत कर भैरव। देख भैरव, रुक जा भैरव। भैरव भैरव बच्ची दे दे। मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को मत मारो। मैं इसे मार नहीं रहा हूँ, मैं तो आने वाले संकटों से इसे मुक्ति दे रहा हूँ। मैं मुक्ति दाता हूँ। मैं मुक्ति दाता हूँ। मैं मुक्ति दाता हूँ। भैरव रुक जा, ऐसा अनर्थ मत कर भैरव। छोड़ दे भैरव, इसे छोड़ दे। हे माता भवानी, ये जगत जननी जगदम्बे, आप ही मेरी बेटी को बचाओ। मेरी बेटी को बचा लो माँ, बचा लो मेरी बेटी को। रुक जा भैरव, रुक जा। इस बच्चे की जान बचा दो। हे निराधर्म दुष्ट पापी, इस नवजात निरपराध कन्या ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसका वध करना चाहता है? छोड़ दे इसे, अन्यथा। अन्यथा अन्यथा क्या? अन्यथा अन्यथा तू मृत्युदंड का भागी बनेगा। मैं तेरा सर विच्छेद कर दूंगी। नहीं नहीं देवी माँ, ये मेरे पति है, इन्हें मत मारो। और ये भैरव जिसे मारना चाहता है वो इसी की बेटी है माँ। ये राक्षस तुम्हारा पति कैसे हो सकता है और ये इसकी बेटी कैसे हो सकती है? माता भवानी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप गट गट में वास करती हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं माता, आप तो सब कुछ जानती हैं। हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ, किंतु मैं भैरव के मुख से सुनना चाहती हूँ कि भैरव तुम इस बच्ची को क्यों मारना चाहते हो? मैं इसका वध नहीं करूँ तो क्या करूँ? मैं इसका ढंग से लालन पालन नहीं कर सकता, स्कूल की महंगी फीस नहीं दे सकता, आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं इसकी दुष्कर्मियों से रक्षा नहीं कर सकता। मैं मुक्ति दाता हूं। और अगर ये बच भी गई तो उस शिक्षा के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? कम फटीली की होने के कारण अच्छा घर और नहीं मिलता, और अगर मिल भी गया तो दहेज के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? बिना दहेज के अगर शादी कर भी दी तो वो लोग इसे जलाकर मार देंगे। जब इतने कष्ट उठाकर इसे मरना ही है तो मैं इसे क्यों नहीं आज ही मार दूं? नहीं बेटा, ये तुम्हारी सोच गलत है। सरकार ने बेटियों के लिए शिक्षा की कई योजनाएं चला रखी है। मिडिल कक्षा तक कॉपी किताब रहना खाना सब फ्री, और उस शिक्षा के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं बना रखी है, इसलिए तू शिक्षा की तो चिंता ही मत कर। भैरव, धन लक्ष्मी योजना में बच्चियों के नाम पर सरकार पैसे जमा करवाती है और उन्हें बड़े होने पर लाखों रुपए मिलते हैं। ऐसी कई संस्थाएं जो बच्चियों की निशुल्क शादियां करवाती है, और तो और वहाँ पर दहेज का कोई लेन देन नहीं होता है। बच्चियों की रक्षा करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं, हेल्पलाइन और नंबर जारी कर रखे हैं, थानों में महिला पुलिसकर्मी तुरंत कार्रवाई करती है। भैरव, सरकार ने नया कानून बनाया है, 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। अखबार में आज ही खबर छपी है, एक अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई है। हाँ भैरव, हम सबने सुबह ही वो खबर पढ़ी है। भैरव, वैसे तो कानून सबके लिए समान है, किंतु कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग
धन वे बल की सहायता से कानून से बच निकलते हैं। ऐसे पापियों को सजा हम देते हैं। नहीं, आप लोग कोई सजा नहीं देते, आप लोग ही सजा देने लगते तो धरती पे कहीं पाप कर्म ही नहीं होता। आपके यहाँ तो अंधेर ही अंधेर है। नहीं भैरव, हमारे यहाँ देर हो सकती है किंतु अंधेर नहीं, क्योंकि हम जो सजा देते हैं वो कर्म व पापों पर आधारित होती है। जो दुष्ट पापी बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं, दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध करते हैं, स्त्रियों के साथ दुराचार करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं, हम ऐसे पापियों का सामाजिक व आर्थिक आधार समाप्त करके उन्हें असाध्य रोगों से ग्रसित कर देते हैं। वह असाध्य रोगों से ग्रसित होकर तिल तिल कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो असाध्य ग्रसित बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें आपने सजा दी है? हाँ भैरव, इसे ही अप्रत्यक्ष सजा कहते हैं। तुमने अपने आसपास ऐसे अपराधी व पापी लोगों को देखा होगा जो ऊपरी रूप से तो खुशी का दिखावा करते हैं किंतु भीतर से बहुत दुखी होते हैं तथा इनका अंत बहुत ही बुरा होता है। ओ, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। हाँ भैरव, अपने ही जन्मदाता पिता द्वारा हत्या करना अक्षम्य पाप की श्रेणी होता है। भैरव, कन्या जननी बनकर सृष्टि की रचना करती है, यही धन की देवी स्वरूपा लक्ष्मी है, यही ज्ञान दात्री सरस्वती है और यही शक्तिदायिनी दुर्गा का रूप है। यदि कन्या ना हो तो इस संसार की कल्पना ही निरर्थक है। भैरव, अगर मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा होता तो मैं कैसे होती, और अगर मैं नहीं होती तो तू कैसे होता, और अगर शीतल नहीं होती तो तेरी शादी किससे होती? जरा सोचिए, आज दुनिया में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें लड़कियों ने अपने खानदान, परिवार और देश का नाम रोशन नहीं किया है? इन्हें मौका तो दीजिए। मामा, मैं भी तो एक बेटी हूँ, मुझे तो आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, फिर इसे कैसे हो सकती है? भैरव, अब समय बहुत बदल गया है, तू भी अपने आप को बदल बेटा। भैरव, अपने अंदर के राक्षस को शांत कर, राक्षस प्रवृत्ति ही पापों की जननी है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, आप लोगों की बातों से मेरी आंखें खुल गई, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे जगदम्बे, क्षमा हमसे नहीं तुम्हारे पुत्री से मांगो भैरव, यही तुम्हें पापों से मुक्त कर सकती है, तुम्हारा कल्याण हो। भैरव, तू ठीक हो गया? और समय रहते तेरी आंखें खुल गई और तू पाप करने से बच गया। हाँ बापू, मैं तो समय रहते समझ गया, लेकिन आप लोग कभी भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बेटी तो वरदान है। अरे बलवीर, क्या हुआ, तू कैसे बैठा है? भैरव, सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया मैं। अरे हुआ क्या है बलवीर, ये तो बता। भाई, आपको तो पता है मेरे दो बेटे हैं। हाँ पता है, तू तो उनकी बहुत बड़ाई करता है, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई है और अच्छे घरों में उनकी शादियां करवाई है, और उनको पढ़ाने लिखाने और नौकरी लगवाने में तू अपना सब कुछ बेच चुका। एक पुश्तैनी मकान बचा था,
वो भी आज बिक गया। मतलब? मेरे बेटे बहू आए थे, घर बेचकर अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। और तुम्हें क्या मिला? मुझे कुछ नहीं, बेसहारा दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा कर गए बेरू। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। काश मेरे भी एक बेटी होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। मुझे मेरे बेटों पर बहुत गुमान था, आज टूट गया बेरू। बलवीर, लोग समझते नहीं है, बेटी किस्मत वालों के घर ही पैदा होती है। पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होते उन्हीं के घर बेटी पैदा होती है। आप ठीक कह रहे हो, जरूर मैंने कुछ पाप किए होंगे इसलिए मुझे बेटी नहीं हुई। सब कुछ होते हुए भी आज बेघर बेसहाय अनाथ हो गया। नहीं अंकल, आप हम सबके होते हुए अनाथ कैसे हो सकते हैं? ये कौन है? ये रोशनी, मेरी बेटी। बेटी वो जिसे तू? वो बात तू मुझे याद मत दिला, मुझे गलानी होती है, अपने आप पर शर्म आती है मुझे। तू तो इससे मिल, ये मेरी प्यारी बेटी रोशनी, इसने पढ़ाई पूरी कर ली और अब बेसहारा लोगों के लिए एक एनजीओ चलाती है जिसमें इसके काम में सब लोग सहयोग करते हैं। बड़ा नेक काम करती है बेटी। अंकल, आप पापा के दोस्त हैं ना? हाँ, बचपन का। तो आप अपने आप को बेसहारा और अनाथ बिल्कुल भी ना समझें, आप इस परिवार के मेंबर हैं, ओके? ओके बेटी, सच में बेटियां तो वरदान है। हाँ, चंदा कैसेट्स।